सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। गर्भ संस्कार के अनुसार यदि शुभ दिन पर एक स्त्री गर्भ धारण करे तो आने वाली संतान भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं गुणी भी होती है, लेकिन अशुभ दिन पर गर्भ धारण करने से सभी अशुभ ग्रहों का असर होने वाली संतान पर होता है। फिर पैदा होने के बाद ऐसी संतान एक के बाद एक परेशानियां खड़ी करती है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो वे कौन से दिन हैं जिस दिन उन्हें यह विचार मन से निकाल देना चाहिए। इस दिन का स्वामी होता है मंगल। अत्यंत क्रोधी एवं विनाशकारी ग्रह माना जाता है मंगल, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। गर्भ संस्कार के अनुसार यह दिन गर्भ धारण के लिए बेहद अशुभ है। यदि इस दिन स्त्री गर्भ धारण कर ले तो होने वाली संतान बेहद क्रोधी और घमंडी होती है। किसी की बात ना सुनना, केवल अपने मन मुताबिक कार्य करना, सभी को परेशान करना और स्वभाव में ही हिंसा का होना, ऐसे होते हैं मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे। यह दिन शनि ग्रह को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्रूर एवं पापी ग्रह की श्रेणी में आता है शनि ग्रह, इसलिए इस दिन पति पत्नी का संतान उत्पत्ति के विचार से करीब आना अशुभ माना जाता है। शनि ग्रह के प्रभाव से होने वाली संतान निराशावादी एवं नकारात्मक सोच वाली होती है। शनि ग्रह कई बार ऐसे बच्चों को ताम्र रूप भी प्रदान करता है। दरअसल रविवार के दिन को पूर्ण रूप से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना गया है और ऐसे शुभ दिन पर पति पत्नी का शारीरिक संबंध बनाना पाप कहलाता है। फिर चाहे वह संतान की प्राप्ति के लिए ही क्यों ना हो, इस दिन पति पत्नी को दूर रहना चाहिए। यही कारण है कि इस लिस्ट में रविवार का दिन भी शामिल है। इस दिन आप सूर्य देव से केवल अच्छी संतान पाने की प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु इस दिन स्त्री गर्भ धारण कर ले तो सूर्य देव के प्रकोप का सामना करती है ऐसी संतान। क्रोध, ईर्ष्या, स्वभाव में ही हर पल की गर्मी, ऐसे लक्षण वाली होती है संतान। गर्भ संस्कार के अनुसार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार गर्भ धारण के लिए शुभ दिन हैं। इन चार दिनों के गर्भ धारण से उत्पन्न हुई संतान गुणी, माता पिता की आज्ञाकारी, सेहतमंद और मानसिक रूप से तेज होती है। तो यदि आप सोचने कि मंगलवार का दिन आधी रात 12 बजे समाप्त हो गया है और इसके बाद गर्भ धारण करना उचित होगा तो यह गलत है। हिंदू शास्त्रों द्वारा बताया गया समय का यह नियम हमेशा याद रखना चाहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।